हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और हो सके तो प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डेली मैं मैथ की एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। RPFSI कॉन्स्टेबल और ALP CBT 2 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग नोट कर लीजिए, मैथ की जो टाइमिंग है रात को 9 बजे है। डेली आपको 9 बजे एक वीडियो मिलेगी। अगर आप इसको डेली देख लेते हैं ना 20 दिन तक, तो 20 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, गारंटी के साथ में बोलता हूं। और रीजनिंग का भी और करंट अफेयर का भी डेली आपको वीडियो मिल रही है, सुबह 7 बजे और 3 बजे। अगर आप चाहते हैं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, तो नीचे जो रेड कलर का आपको बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाइए, और बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल हैं। आप ये टेस्ट परचेज करके केवल ₹120 में है, लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप ये परचेज करके प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे जब आप एग्जाम में बैठे कि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं। जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको ऐसा लगे कि इस तरीके के 20 एग्जाम में ऑलरेडी दे चुका हूं, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो लिंक नीचे दिया गया है, बस डायरेक्ट जाके लिंक पे क्लिक करके आप परचेज करके लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये कोड भरना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस कोड को भरने के बाद ही आपको ₹120 में मिलेगा, अदरवाइज ये ₹150 का टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आज आप 10,000 व्यू होने से पहले पहले 1,000 लाइक कर देंगे, ये हमारा टारगेट है, तो प्लीज़ इसको अचीव जरूर करिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक 80 मीटर ऊंचे लंबे ऊंचे खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, और दूसरी मिनट में ये दो बार लिखा गया, दूसरी मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, खंबे के सिरे पर पहुंचने के बंदर को कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। देखिए, एक खंबा है 80 मीटर का, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर एक मिनट में एक बंदर 5 मीटर उछाल मारता है और खंबे पे चढ़ जाता है, यानी कि 5 मीटर वो चढ़ जाएगा, फिर अगली मिनट में वो 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, यानी कि 2 मीटर नीचे आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हम अब समझते हैं कि 1 मिनट में वो 5 मीटर ऊपर गया, फिर अगली मिनट में, यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ क्योंकि ये नीचे आ जाता है, अगले मिनट में 2 मीटर नीचे आ गया। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये 2 मिनट में केवल 3 मीटर चढ़ पाया, क्योंकि 5 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो 3 मीटर ही तो चढ़ पाया, तो 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ पाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको करनी है, ये जो एक जो छलांग लगाता है उसमें 5 मीटर चढ़ता है, तो उसको 80 में से, क्योंकि जो खंबे की लंबाई है वो कितनी है, 80 मीटर है, तो यहाँ पे 80 में से 5 मीटर माइनस करिए, जो 75 बचा है ना, तो आपको केवल 75 मीटर ही चढ़ाना है इस तरीके से, यानी कि जो एक बार चढ़ता है फिर नीचे फिसल जाता है, एक बार चढ़ता है फिर नीचे फिसल जाता है, 75 मीटर सबसे पहले उसको चढ़ाइए। अब 3 मीटर 2 मिनट में चढ़ता है, तो 75 मीटर कितने में चढ़ेगा, जितनी भी मल्टीप्लाई इधर करके 75 आएगा, इतनी की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 25 या 75, तो 25 की दर करेंगे, यानी कि 50 मिनट में यह 75 मीटर चढ़ सकता है, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि 5 मीटर चढ़ेगा, 2 मीटर फिसल जाएगा, 5 मीटर चढ़ेगा, 2 मीटर फिसल जाएगा, इस तरीके से करता करता वो 50 मिनट में 75 मीटर चढ़ जाएगा, ठीक है। अब जो लास्ट वाली, यहां तक 75 चढ़ने के बाद में जो लास्ट वाली वो 5 मीटर की छलांग लगाएगा, तो वो ऊपर ही बैठ जाएगा, नीचे नहीं आएगा, इसलिए मैंने 5 मीटर इसमें से माइनस कराया था, यही इसमें एक लॉजिक था, ट्रिक थी, ठीक है। तो लास्ट वाली सिर्फ 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ जाएगा, वापस नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर टॉप पे यहाँ पे जाके बैठ जाएगा, तो 1 मीटर और चढ़ेगा, तो यानी कि 75 में 5 प्लस कर देंगे, तो 80 मीटर वो कितनी मिनट में चढ़ेगा, 50 प्लस 1 मिनट, 51 मिनट में आपका राइट आंसर हो जाएगा, 51 मिनट में वो पूरा यहाँ पे टॉप पे बैठ जाएगा बंदर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है तो नीचे क्वेश्चन नंबर डाल के मुझे पूछ सकते हैं आप, मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उसको कराने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इसी क्वेश्चन से कई तरीके क्वेश्चन आप करने सीख जाएंगे, ठीक है। जिस पे भी स्टार लगा हुआ है ये क्वेश्चन आप नोट भी कर सकते हैं, और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
यहाँ पे है कि ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में तथा सी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ध्यान से देखिएगा, 2 कंडीशन बन गई। एक तो यहाँ पे 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, और एक कंडीशन क्या है कि 2 दिन पहले कार्य कंप्लीट होने से 2 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा ये आपसे पूछा गया है। देखिए, ए यहाँ पे 12 दिन में कर लेता है, बी यहाँ पे 15 दिन में कर लेता है, और सी यहाँ पे 20 दिन में कर लेता है। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, ये आपका पहला स्टेप है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम चैप्टर का। नेक्स्ट स्टेप आपका है कि यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। जो भी एलसीएम आएगा वो टोटल कैपेसिटी यानी कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क यानी कि जो टोटल वर्क यहाँ पे ये 12 दिन में कर लेता है ए, वो टोटल वर्क है कितना? 120। जो बी 15 दिन में कर लेता है वो टोटल वर्क कितना है? वो भी 120। जो ये 20 दिन में कर लेता है सी, वो कितना टोटल वर्क को कर पाता है? वो 120 यूनिट ऑफ वर्क को करता है। यहाँ पे इतना काम आपने कर लिया, तो ये ए जो है 120 यूनिट वर्क को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा? तो 120 को 12 से भाग करिए तो 10 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बी का निकालेंगे तो 15 से भाग कर देंगे तो 8 आ जाएगा, और 20 से भाग कर देंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि हमें पता चल गया कि ए एक दिन में 10 यूनिट वर्क करता है, बी एक दिन में 8 यूनिट वर्क करता है, सी एक दिन में 6 यूनिट वर्क करता है। यहाँ पे बोला जा रहा है तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। अब मुझे ये बताइए, तीनों ने मिलकर कार्य करना स्टार्ट किया और 2 दिन बाद कार्य ए कार्य छोड़कर चला गया, तो 2 दिन तक तो तीनों ने मिलकर कार्य किया होगा, तो इन सभी को प्लस कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 10 और 8 कितना हो गया आपका? 18 और 6 24। तो 24 यूनिट वर्क ये कर सकते हैं एक दिन में तीनों मिलके। तो 2 दिन तक इन्होंने कार्य किया, कितना? 48 यूनिट वर्क इन्होंने कर दिया। तो इस टोटल यूनिट वर्क में से 48 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 72। अब यहाँ पे ए कार्य को छोड़ के चला गया, बचे कुछ कौन? बी और सी। यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन बोली जा रही है, तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। जब भी कार्य कंप्लीट होने वाला होता है उससे 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है कौन? बी। तो उनके लास्ट दिनों में, उन 2 लास्ट दिनों में किसने कार्य किया होगा? केवल सी ने, क्योंकि ए ऑलरेडी जा चुका है। तो उस लास्ट 2 दिनों में केवल सी कार्य करेगा, तो सी एक दिन में 6 करता है, 2 दिन में कितना करेगा? 12। तो इसको भी हम माइनस कर लेते हैं, तो 72 में से 12 को माइनस करेंगे तो बचेगा 60। अब यहाँ पे जो कार्य बचा है ये 60 यूनिट, इसको कौन करेगा? इसको तो बी और सी करेंगे ना दोनों, क्योंकि जो लास्ट के 2 दिनों में सी करने वाला है, जब बी छोड़ के चला जाएगा, वो भी मैंने माइनस कर दिया। तो जो ये कार्य बचा है ना, इसको करने ये दोनों आएंगे, और ये बी और सी कार्य कितना करते हैं एक दिन में? 14 यूनिट। तो 60 यूनिट वर्क को करने में कितना समय लेंगे? ये आपका हो जाएगा, 60 को 14 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 सही 4/14। तो यहाँ पे 2 इससे कट करेंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? 4 सही 2/7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल डेज पूछे कितना लगेगा इस तरीके से वर्क करने में, तो 2 ये थे 2 ये थे, तो कितना हो गया? 2 2 ये भी प्लस कर लेंगे तो 4 2 6 2 8, 8 सही 2/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा समझाने में टाइम लगा है, बट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अगर आप इस क्वेश्चन की 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। और नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बोट एंड स्ट्रीम से। देखिए, बहुत सारे बच्चे ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, कमेंट बॉक्स में बोला था कि आप मिक्स क्वेश्चन साथ साथ में लेके आते रहिए। तो मैं क्या करूँगा, 1-2 दिन तो आपका लगातार चलेगा चैप्टर वाइज, फिर 1-2 दिन बीच में चलेगा मिक्स क्वेश्चन, फिर चैप्टर वाइज, फिर मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन में मैं आपकी प्रॉब्लम्स लेके आया करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी और भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है, एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में 4 घंटे में पहुंचता है, तथा इतनी ही दूरी धारा के विपरीत 5 घंटे में पार करता है। यानी कि चलो ये भी बताऊंगा, यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा भाई इस पर भी, मैंने इस पर स्टार नहीं लगाया था बट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक तो होता है अपस्ट्रीम, एक होता है डाउनस्ट्रीम। जब जो धारा की दिशा में नाव चलेगी, ठीक है, धारा की दिशा, स्ट्रीम को बोलते हैं धारा, जो धारा की दिशा में नाव चलेगी तो आपका उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी यानी कि धारा इस डायरेक्शन की और नाव इस डायरेक्शन में चलेगी तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में आशा करता हूँ कि आप डिफरेंस करना सीख गए होंगे। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, सबसे पहले जो डाटा पता है, यहाँ पे आपको पता है कि जो
चार घंटे में पहुंचता है, यानी कि टाइम आपको पता है जब धारा की दिशा में जाते हैं तो 4 घंटे में, और जब धारा के विपरीत जाते हैं तो 5 घंटे में यहाँ लगते हैं तो पार करने में। यदि धारा का वेग यानी कि धारा की चाल भी यहाँ पे दे दी 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी आपको बतानी है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, वाई बराबर मैंने यहाँ पे लिखा है डी माइनस यू अपॉन में 2। वाई का मतलब होता है धारा की चाल, जो धारा की चाल होती है उसको हम बोलते हैं वाई, और जो बोट की चाल होती है उसको बोलते हैं एक्स। तो ये क्वेश्चन को करने का मतलब वो शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट फॉर्म है कि बार बार यहाँ पे धारा की चाल ना लिखना पड़े, तो ये मैंने वाई लिख दिया। वाई बराबर डी मतलब कि डाउन स्ट्रीम और यू मीन्स अप स्ट्रीम अपॉन में 2। तो यहाँ पे वाई क्या है आपका 2 है, और डी आपका डाउन स्ट्रीम कितना है। देखिए डिस्टेंस आपको नहीं पता है तो हमने एक्स मान लिया, तो एक्स को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम, और एक्स को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा अप स्ट्रीम, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे भाई, तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 4x। इसको सोल्व कर लेंगे, ये आपका 2 इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर जाके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ऊपर तो माइनस हो जाएगा तो एक्स बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा आपका 2 यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं ना इतनी चीज़ें। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 80 किलोमीटर, यानी कि जो ये एक्स हमने माना था डिस्टेंस एक्स 80 हो जाएगा, यानी कि जो दूरी है ये कितनी है 80 किलोमीटर की। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी समझ में प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन नंबर डाल के नीचे मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दो ट्रेन है, एक 150 मीटर लंबी मालगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, एक सवारी ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है, जिस पर एक व्यक्ति बैठा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में जा रही है। सवारी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को मालगाड़ी कितने सेकंड में पार कर जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं इसको, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए एक मालगाड़ी है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 150 मीटर की है, और वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और यहाँ पे एक दूसरी ट्रेन है जो कि 100 मीटर की लंबी है और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और उसमें एक आदमी बैठा है, एक ड्राइवर बैठा है, कुछ भी मान लीजिए, उसको ये वाली ट्रेन इसको कितने देर में पार कर जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझिए कि जब भी दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी तो उनका डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, जो रिलेटिव चाल होती है उसका उनको दोनों का डिफरेंस लेके निकालते हैं, और जब एक दूसरे की तरफ को जाती हैं तो दोनों की चाल को प्लस कर लेते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। रेलगाड़ी की लंबाई अपॉन में चाल हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें रेलगाड़ी को पार नहीं पूछा है। यहाँ पे देखिए दोबारा से पढ़िए, जिस पर एक व्यक्ति बैठा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में जा रही है। सवारी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को मालगाड़ी कितने सेकंड में पार कर जाएगी, ये आपसे पूछा है। जो इस ट्रेन में सवारी बैठी है ना, उसको ये ट्रेन कितनी देर में पार कर जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो इसमें ये आदमी बैठा है ना, अब हमें इस ट्रेन से मतलब नहीं, सिर्फ इस आदमी से मतलब होनी चाहिए। जो ये ट्रेन की स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इस आदमी की स्पीड को मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी ट्रेन को हमें पार करने से पूछा ही नहीं गया, सिर्फ पूछा गया कि ये आदमी कितनी देर में इसको क्रॉस कर जाएगी ये वाली ट्रेन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्रेन की लंबाई अपॉन में चाल। अब चाल यहाँ पे दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो डिस्टेंस दे रखे हैं वो मीटर में दे रखे हैं। तो इसको सबसे पहले किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, तो 54 और 18 का डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा 36। 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से 36 को कट करेंगे 2 टाइम, और 2 की 5 में करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आपकी चाल आ जाएगी। ठीक है भाई, तो आपको ये 10 मीटर पर सेकंड की जो चाल आई है, इसको रेलगाड़ी की लंबाई से को भाग कर देंगे, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150, और ये जो चाल है कितने 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 15 सेकंड आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये 15 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो आशा करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से समझ लेते हैं, इसी टाइप का है बट अब की बार थोड़ा सा अलग है। 5वां नंबर क्वेश्चन है ये, दो रेलगाड़ी की चाल क्रम 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों रेलगाड़ी एक समान दिशा में जा रही है, तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 5 सेकंड में पार करती है,
ये तो यहाँ पे बता दिया कि 5 सेकंड में पार्क करती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। तेज वाली की जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई आपको बतानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल वही है, अब की बार भी हमें रेल की लंबाई लेनी है, दोनों की चाल का डिफरेंस लेना है। चाल का डिफरेंस क्या है यहाँ पे, किलोमीटर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 50/9 मीटर पर सेकंड होगा आपका सॉरी ठीक है, तो 50/9 आपका मीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका, टाइम आपको दे रखा है ना, तो टाइम बराबर हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में स्पीड 1 - स्पीड 2। तो ट्रेन की जो आपका टाइम है वो कितना है, ट्रेन का टाइम वो आपका 5 है, ठीक है ना भाई, बाई 5 है आपका ट्रेन का टाइम जो इसको पार करने में लेती है, और लेंथ क्या है वो आपको निकालनी है, और मीटर पर सेकंड आपका कितना है, 50/9 है, तो बस आपको इतना ही करना है। 9 को तो ऊपर ले जाएंगे क्योंकि ये नीचे बटे में है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 = L × 9/50। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा, 9L बराबर में ये 50 × 5 में करेंगे तो 250 हो जाएगा, तो L बराबर कितना हो जाएगा, 250/9, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी, 27.78 मीटर। इस टाइप का क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था, और वहीं से मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि आपको दोबारा से करा दूं। तो इस तरीके के बीच बीच में क्वेश्चन आपके लिए लेके आता रहूंगा ताकि आपको पता चलता रहे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन सिंपल है, बस एक बार देख लीजिए, भूलेंगे भी नहीं, और क्वेश्चन आ सकता है यार, बिल्कुल आ सकता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा भी है। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर वापस बी से ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रही ये आपको बताना है। तो 2xy/x + y ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इसमें एक एक चीज बताऊंगा। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जब मैं ए से बी तक के नगर की बात करूंगा तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना, जब वो जाएगा तब भी डिस्टेंस सेम रहेगी और तब आएगा तब भी डिस्टेंस सेम रहेगी, बट उसकी चाल में डिफरेंस आ रहा है। जब जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि सॉरी ये चीज कब लगेगा आपका ये फॉर्मूला, जब दो अलग अलग चाल से एक ही डिस्टेंस को कवर किया जाता है, यानी कि एक डिस्टेंस है ए से बी तक के नगर की, और जाता अलग चाल से और आता अलग चाल से, या फिर जाता अलग चाल से है और फिर आगे का इतनी ही डिस्टेंस को फिर अलग से चाल से जाता है, यानी कि सेम डिस्टेंस को अलग अलग चाल से जब कवर किया जाता है, तो ये ट्रिक आपको यूज करनी है, 2xy/x + y, ठीक है भाई। तो 2 × 72 × 48, दो अलग अलग चाल है, अपॉन में 72 + 48 आपको करना है सॉरी यहाँ पे देखिए आप क्या करना है, 2 × 72 × 48 / 120। तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है, 2 से 120 जाएगा 60 टाइम, और 60 को ये कट करेंगे हम दोबारा से 2 से तो 30 टाइम, और ये जाएगा 2 से 24 टाइम, फिर इसको कट करेंगे 2 से तो ये जाएगा सॉरी 3 से जाएगा 8 टाइम, और ये 3 से जाएगा 10 टाइम, फिर इसको 2 से कट करेंगे 5 टाइम, और ये जाएगा 4 टाइम। यहाँ पे यानी कि आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे ये बचा है 72 और 4, और नीचे बचा है 5, इनको सोल्व कर लीजिए, 288/5 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 57.6 आपका आ जाएगा, तो 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो पूरी यात्रा में वो चाल कितनी रही, 57.6 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक इस क्वेश्चन को मैं कई बार करा चुका हूँ ऑलरेडी, बट फिर भी दोबारा मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल और ये जो आपका ALP CBT 2 है इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन, तो इसको जरूर एक बार देख लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी, पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा, टाइम आज भले ही ज़्यादा लग जाए बट क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय तक एक नियत समय पर जाता है, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 7 मिनट से देरी से विद्यालय पहुंचता है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नियम समय से 5 मिनट पहले विद्यालय पहुंचता है, उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ट्रिक तो ये है, ट्रिक क्या है, ∆t × s1 और ∆s2/s1 और ये आपका sin s2, यानी कि यहाँ पे जो मैं बात करूँ डिस्टेंस निकालने की इस टाइम पे, इस टाइप के क्वेश्चन में, तो ∆t यानी कि चेंज इन टाइम और स्पीड 1
स्पीड टू अपॉन में स्पीड वन और स्पीड टू का डिफरेंस। तो डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम, बताऊंगा मैं भी, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे ये चीज़ समझिए, जब पहले लेट हो जाता है और फिर दोबारा अर्ली पहुंच जाता है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, 7 मिनट से देरी से पहुंच रहा था, लेट हो रहा था, फिर उसने अपनी चाल बढ़ाई, 5 से बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, अब वो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी कि जब लेट होता है और अर्ली होता है तो प्लस करते हैं। जब वो एक तरफ से लेट होगा दूसरी तरफ से अर्ली होगा, यानी कि एक तरफ से जल्दी पहुंच जाएगा, सॉरी एक तरफ से लेट पहुंचेगा और दूसरी तरफ से जल्दी पहुंच जाएगा, तो तब कंडीशन में प्लस करते हैं दोनों टाइम को। यानी कि यहाँ पे कितने मिनट से लेट पहुंच रहा था, ये 7 मिनट से, और यहाँ पे 5 मिनट से पहले पहुंचा, तो 7 और 5 को प्लस करेंगे, यानी कि 12 हो जाएगा डेल्टा टी, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे लेट और लेट यहाँ पे है तो माइनस करना है, और अर्ली अर्ली है तब भी माइनस करना है, यानी कि दोनों तरफ से लेट हो रहा है तब भी माइनस करना है, दोनों तरफ जल्दी पहुंच रहा है तब भी माइनस करना है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया डेल्टा टी इंटू एस वन इंटू एस टू अपॉन में एस माइनस एस टू, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों का लेना है। तो डेल्टा टी कितना है 12। अब ये 12 मिनट है तो इसको घंटों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मिनट तो कहीं पे यूज नहीं होती है, तो सेकंड होगी या फिर आपका घंटा होगा। तो घंटा बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से और गुणा कर देंगे यहाँ पे 5, यानी कि पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाता था, फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 5 और 6 का माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा आपका 12 पंजे 60, तो यहाँ पे 6 पंजे 30, और नीचे क्या बचेगा, 6 और 5 का डिफरेंस करेंगे 1, और नीचे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो 30 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6, तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि उसके घर से स्कूल विद्यालय की दूरी जो है वो कितनी है, 6 किलोमीटर है, यही आपका राइट आंसर है। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया तो फिर बताइएगा, फिर कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, दो व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये था, तो इनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो ट्रिक मैथ, वैसे तो दोनों ही ट्रिक मान लीजिए, बट दोनों के दोनों अगर आप सीख लेते हैं, कोई भी एक अच्छा लगता है वही आप सीख लीजिएगा, दोनों के दोनों अच्छे हैं। ए और बी दो हैं, उनकी वर्तमान आयु है 5:7, तो 5:7 आपने लिख ली, 16 वर्ष पहले उनकी कितनी थी, 3:5 के रेशो में इनकी एज थी। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, यानी कि पहले जब इनकी वर्तमान में आयु है 5 और 7 मान लीजिए बस, और 16 वर्ष पहले इनकी आयु थी 3 और 5, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, इन दोनों का भी डिफरेंस 2 आ रहा है, तो जो 2 है ये किसका डिफरेंस है भाई, ये 16 वर्ष का होगा ना, यानी कि आज इनका रेशो ये है एज का, और 16 वर्ष पहले एज का रेशो ये था, तो जो भी रेशो का डिफरेंस होगा वो 16 वर्ष के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब जो भी देखो रेशो का आपको पता होता है ना, रेशो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी नंबर की, तो यहाँ पे जो नंबर रहे होंगे उनको हमने कट करते करते रेशो बना दिया, क्योंकि जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जो कटना बंद हो जाते हैं, ठीक है, वो नंबर आपका रेशो बन जाता है। तो 2 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 16 वर्ष, तो 16 वर्ष हो जाएगा आपका 2 के बराबर, तो 1 बराबर क्या 8, अगर 1 रेशो के बराबर आपको पता चल गया 8 है तो आप किसी की भी एज निकाल सकते हैं। वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान आयु यहाँ पे ए का रेशो क्या है, वर्तमान आयु का 5, तो 5 में 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 है, और बी का पूछा जाए वर्तमान आयु तो 7 है, तो 7 में 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 56 है, तो ए और बी की वर्तमान आयु आपको पता चल गई 40 और 56, ठीक है। सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इसका 5x और 7x है यहाँ पे इनकी आयु, तो 5x और 7x प्रेजेंट एज है इनकी, इसमें से 16 वर्ष अगर मैं माइनस कर दूँ तो इस रेशो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही बोला गया कि 16 वर्ष पहले इनकी एज का रेशो ये था, 3 और 5 था, तो 5x और 7x में से माइनस करा 16, तो ये 3 और 5 के रेशो के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 के ऊपर करेंगे 25x और 80 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे 3 की तरफ तो 27x और 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे x x वालों को एक साइड में लेके आएंगे तो कितना होगा 4x, और इसमें से माइनस करेंगे 32, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 8 आ गई, ठीक है, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी भी x की वैल्यू आपकी 8 ही आई है, ऊपर 1 के रेशो की वैल्यू भी आपकी 8 ही आई थी, फिर दोबारा से आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 की तो 40, और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। यही क्वेश्चन था आपका, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं, आप ही के लिए मेहनत करता हूँ यार, बस आपका छोटा सा एक साथ चाहिए वीडियो को लाइक और शेयर वाला, जो कि आप बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं, बट फिर भी जो भी है आप बस वीडियो देखते रहिए, ये भी मेरे लिए बहुत कुछ है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि ये भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा है कि ये 0.11
बार प्लस 0.22 ऊपर बार और इंटू 3 के बराबर है। तो ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए जब भी ये बार वाला क्वेश्चन आता है ना, इसमें क्या करना होता है, जो यहाँ पे संख्या लिखी है उसको हम पॉइंट भी हटा देंगे और बार भी हटा देंगे, उसको लिख लेंगे, और जितने के ऊपर बार होगा उतने नीचे उसके 9 लगा देंगे, जितने के भी ऊपर बार होगा। तो यहाँ पे कितने के ऊपर बार है, 2 के, कोई नंबर और बचा ही नहीं है, तो दोनों के ऊपर बार लगा देंगे। मान लीजिए यहाँ पे होता कि 11 और यहाँ पे होता कि ये होता, मान लीजिए ठीक है, इन तीन के ऊपर बार होता, 1 के ऊपर बार नहीं होता, तो हम क्या करते, 1 1 1 2 लिखते हुए और फिर उसके नीचे हम क्या लिखते, 3 9 लिखते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 के ऊपर तो बार है और 1 हम यहाँ पे क्या बढ़ा देते, यहाँ पे 1 0 बढ़ा देते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अब यहाँ पे 22 के ऊपर बार है तो 22 अपॉन में 9 और इसको ब्रैकेट कर देंगे बंद और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 99 ही आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो 99 ऊपर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 33, तो ये 3 से कट कर देंगे 33 टाइम और 33 से 33 जाएगा 1 टाइम, तो आपका 1 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए समझाना मेरा काम है हर एक टाइप का क्वेश्चन, और ये आपका काम है कि आप इसको समझें और प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, और प्लीज़ वीडियो को एक बार पूरी एंड तक देखिएगा, कुछ चीज़ें भी बतानी है आपसे। 5.765 यानी कि बार है 76 के ऊपर 2, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, तो इनका अंतर ज्ञात करना है, इनका डिफरेंस ज्ञात करना है, तो ये कैसे करेंगे। देखिए बार का मतलब समझिए आप क्या होता है, बार का मतलब होता है यहाँ पे 76 76 76 आ रहा होगा पॉइंट के बाद में, तो इस रिपीटेशन को हटाने के लिए हमने बार लगा दिया, और इसका मतलब हम समझ गए, बार लगती है कि ये यहाँ पे 76 76 76 चल रहा होगा, जैसे यहाँ पे 2.3 लिखा है, तो ये बार हमने इसलिए लगा दिया कि 3 3 3 3 चल रहा होगा, तो हमने बार लगा दिया। इस 3 3 का मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे बार लगा हुआ है तो इसके पीछे 3 3 चल रहा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, 5.767676 हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे 2.33333 हमने लिख दिया, अब इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा, अब इनका डिफरेंस कुछ भी निकालिए, इन दोनों का निकाल लीजिए 43, तो 43 43 43 आपका चलता रहेगा। तो अब बस आपको यहाँ पे फिर दोबारा वही करना है, 3 4 3 4 3 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन को हटाने के लिए बार लगा दीजिए, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। कोई भी डाउट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी, अगर फिर भी आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मुझे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए सौरभ मलिक के नाम से सर्च करके, वहाँ पे भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट रहता है, यही हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि डाउट ना रहे, बट फिर भी अगर रहता है तो आप पूछ सकते हैं। और देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छे टेस्ट हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बिल्कुल वीडियो के शुरुआत में, कि इन टेस्ट को आप परचेज करके डेफिनेटली स्कोर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये अमाउंट आप मत देखिए कि इतनी ज़्यादा अमाउंट है, और वैसे भी यार ये ज़्यादा नहीं है, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे बहुत कुछ देखता हूँ, तो इससे सस्ता टेस्ट कहीं पे नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है, 120 रुपये से भी कम कुछ आता होगा आज के ज़माने में, तो 120 रुपये को मत देखिए अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, इसको परचेज करिए। और 120 रुपये में कब मिलेगा, जब आप इस डिस्काउंट कोड को भरेंगे, तो इस डिस्काउंट कोड को भरने के बाद ही 120 रुपये में मिलेगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि डिस्काउंट नहीं है, इस कोड को भर लीजिएगा। फिर यहाँ पे RPF का 199 है, और भाई इस पे देखिए कोई डिस्काउंट भी नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ज़्यादा ही बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ, बट इसमें डिस्काउंट देने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है। फिर आता है ग्रुप डी का, ये 20 टेस्ट है 120 रुपये में, यूपी वीडियो का भी 20 टेस्ट 120 रुपये में, ALPC वीडियो 2 का भी 20 टेस्ट 120 रुपये में, सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार देख लीजिए इनको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। PDF आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च करिएगा टॉपिक स्टडी, वहाँ पे आपको टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम मिल जाएगा, और जाके आप इसको डाउनलोड करके PDF को पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, जिसने आज तक वीडियो देखे तो प्लीज़ बताइएगा भी जरूर, और वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।